बट अभी सबसे मस्त चीज जो गिफ्ट करी वो ये थी कि तो गाइस जब एक इंटरव्यू में टेक्नो गेमर से पूछा गया था कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट आज तक क्या दिया है, तो भाई टेक्नो गेमर्स ने बताया कि उन्होंने अपनी मॉम के लिए एक चीज दी थी जो कि भाई 10 लाख से भी ज्यादा की थी। अच्छा जी हाँ गाइस, आखिर वो गिफ्ट क्या था और आखिर उस गिफ्ट में क्या था, आपको टेक्नो गेमर से सुन लीजिए। एक नेकलेस पसंद आ गया था तो कुछ 17 लाख कुछ का था, मैंने कहा अब भी लो इसको। तो जी हाँ, जैसे कि आपने सुना कि टेक्नो गेमर्स ने अपनी मॉम 17 लाख का एक नेकलेस गिफ्ट किया था, जो कि भाई उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि भाई टेक्नो गेमर्स ऑलरेडी 50 से 60 लाख रुपए तक मंथली कमाते हैं। वो अपने YouTube रेवेन्यू से तो कमाते कमाते वो अपनी स्पॉन्सर से इतना कमा लेते हैं कि भाई कुछ कहने की नहीं। आज के टाइम पे अगर टेक्नो गेमर्स की एनुअल अर्निंग देखी जाए तो मेरे हिसाब से वो 7 से 8 करोड़ के बीच आराम से होगी, क्योंकि भाई टेक्नो गेमर्स के जिस हिसाब से व्यूज आते हैं YouTube पर बहुत ही ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, उज्जवल अपने टेक्नो गेमर्स वाले चैनल पर कोई भी स्पॉन्सर नहीं करते, मतलब पर वीडियो स्पॉन्सर नहीं करते हैं। अगर सोचो वो वाली स्पॉन्सर भी करने लगे तो भाई उनकी एक वीडियो पे मिनिमम मैक्सिमम 5 से 6 मिलियन व्यूज तो ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। और भाई अगर वो उस पर स्पॉन्सर करेंगे तो भाई उनकी फेस वैल्यू और उनकी पॉपुलरिटी को देखकर वो एक स्पॉन्सर का कम से कम नहीं तो 20 से 25 लाख तक चार्ज करेंगे, तो सोचो भाई उनकी अर्निंग फिर कहां से कहां पहुंचेगी। लेकिन वो टेक्नो गेमर्स वाले पर कोई स्पॉन्सर नहीं करते हैं, वो अपने उज्जवल वाले चैनल पर ज्यादातर स्पॉन्सर करते हैं। तो गाइस क्या लगता है कि आपको कि टेक्नो गेमर्स का ये सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट था या फिर इससे भी एक्सपेंसिव उन्होंने कोई गिफ्ट दिया था? उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने पूरा हाउस भी खरीदा है, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी बात होती है और वाकई में एक प्राउड मोमेंट भी होता है।